ये तो आपका रूम है ना दादी? हाँ, मुझे कुछ देना था तुझे। तूने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पे भरोसा किया, तो मुझे भी कुछ देना चाहिए ना। अभी लाए। आज तेरा रुका हुआ अभी के साथ, तो तेरा रुके का गिफ्ट तो बनता है। जब मैं चुन्नी लेने आई थी ना, तब मैंने इसे यहीं रख दिया था। आज ये मैं तुझे पहना रही हूँ और ये तुझे अपनी बहू को पहनाना। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? इस खानदान की परंपरा को तुझे आगे बढ़ाना। आज मैंने तुझे वो काम दिया है जो दल्लों ने प्रज्ञा को भी नहीं दिया था। मैं तो कहती हूँ तेरा अभी के लिए इतने साल इंतजार करना उस तपस्या का फल है। ये झूठ बोल बोल के जबान कड़वी हो गई है, पर कुछ दिन तो ये नाटक करना पड़ेगा जब तक अभी की बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता। सही कहते हैं, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और मेरा टाइम आ गया है और मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मेरा है। क्या सोच रही है जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई? सोच रही हूँ दादी कि मेरे लिए जो इम्पॉसिबल था वो आपने पॉसिबल कर दिया, अभी को मना लिया। हाँ, अभी नाराज है इस शादी से, लेकिन जैसा कि आपने कहा था वो भी हो जाएगा। क्या कहा था? यही कि क्या अभी तक गई? जा रही हूँ, लेकिन वापस आने के लिए, क्योंकि हमारी लव स्टोरी का सेकंड सीजन शुरू होने वाला है, द मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी एवर। पहले प्यार, फिर झगड़ा, फिर कोर्ट केस, फिर शादी। लव यू दादी। हो जाएगा धीरे धीरे। क्या? दादी बता देंगी। ओके दादी। गई। मेरी रक्षना दादी, क्या गेम घुमाया आपने। पता है पहले मुझे डाउट हो रहा था कि आप कर पाएंगे कि नहीं, पर ये तनु को तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। अरे डाउट तो मुझे भी था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन शुक्र है भगवान का धीरे धीरे हो गया। क्या झूठ बोलती हैं आप, कमाल है यार, मजा आ गया। वैसे तनु को लग रहा है कि धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगा, पर धीरे धीरे ना उसका पर्दाफाश होने वाला है। अच्छा ये बता प्रज्ञा कहाँ है? अरे उसी के पास तो जा रहा हूँ मैं, मेरे प्रेस वाले चले गए, तनु चली गई, अब जाऊंगा इत्मीनान से। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। एक बार ये तनु का कांटा तेरी लाइफ से निकल जाएगा ना, तो मैं समझूंगी कि कुंभ का स्नान मैंने दिल्ली में ही कर लिया। जा। थैंक यू दादी। लव यू। लव यू टू यार। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।